सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपके स्क्रीन पर, देखिए। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। बगैर टेंडर के ठेके देने का उन पर आरोप लगा था और ये एक बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी, जो लगातार डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि राजेंद्र कुमार ने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी हो रहा है राजनीतिक साजिश के तौर पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी पारा यूं ही चढ़ा हुआ था और इस बीच राजेंद्र कुमार को आज सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई से कई सवाल पूछे, ये भी पूछा कि जब केस 7 महीने पहले दर्ज किया गया था तो अब जाकर गिरफ्तारी आपने क्यों की। सीबीआई ने इसके जवाब में दलीलें दी। इस बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर इस पूरे मामले को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया और इसी पर बड़ी बहस करने के लिए इस वक्त हम आपके सामने हैं। हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, ये बताइए, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कई लोगों के दिलो दिमाग में था, जो आम आदमी पार्टी भी पूछ रही थी, वो आज कोर्ट में, कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, वो ये कि आपने राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार क्यों किया, क्या कारण है, क्या इसका जवाब मिला? जी हाँ, इस पूरा मामले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सरकार का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, अगर इसे अभी गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं की जाती है तो ये इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे गवाह हैं उनको भी डरा धमकाने की पूरी तरह से यहाँ पर साजिश रख सकते हैं, और इससे पहले धमकाया भी है इनके ऊपर इस तरह के आरोप से, तो यही वजह थी कि कोर्ट को ये पूरा कहना पड़ा और मानना पड़ा कि आखिर सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। हालांकि शुरुआती दौर में जो बचाव पक्ष था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इतने लंबे समय, दिसंबर 2015 में ये जांच की गई थी, एफआईआर की गई थी, उसी समय गिरफ्तारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद अंतिम समय में 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, ताकि जो पूछताछ होनी है वो पूछताछ होगी, उसके साथ साथ इन सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और जो दस्तावेज हैं उन सभी की पूरी तरह से जांच की जाएगी, और अगर कुछ और नाम भी बाहर सामने आते हैं तो उनके बारे में विचार किया जाएगा। जी दीपक, एक बात बताए, कितने दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी सीबीआई ने और कितने दिन की मिली है? 5 दिन की मिली है। जी हाँ, 5 दिन की मिली है, और सीबीआई ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, क्योंकि उनको ये कहना था कि कई सारे दस्तावेज, क्योंकि एक बक्सा भरकर सीबीआई फाइलों और दस्तावेजों को लेकर यहाँ पहुंची थी और कोर्ट के सामने कोर्ट रूम के अंदर ही रखा गया था और सबको दिखाया गया था इन चीजों में कई सारी, और उसी तरह से कुछ ऑडियो क्लिपिंग भी है जिनकी बात की गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट के सामने पेश कर उन्हें भी सुनाया जाएगा। दीपक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने यह बाकायदा कहा कि उसका कारण यह है कि ये गवाहों को प्रभावित कर रहे थे। क्या कोई प्रूफ है सीबीआई के पास, ऐसा कोई ऑडियो क्लिप्स या कुछ है, कुछ कहा उन्होंने कोर्ट में? जी, सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जो मेल के जरिए उनको मिली है, और इस मेल के जरिए जो क्लिप मिली है उसमें साफ तौर पर गवाहों को धमका रहे हैं खुद राजेंद्र कुमार, तो इसको हम प्रूफ के तौर पर सामने रख सकते हैं, जब कोर्ट मांगेगा तो हम उसी वक्त उस सबूत को आपके सामने रख देंगे, इस तरह की बात कोर्ट में दलील दी गई है। जी दीपक बिष्ट, इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है इस पर राजनीतिक बहस अब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट 48 सेकंड ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई का शिकंजा क्या कसा, एक बार फिर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई शुरू हो गई। जिस वक्त राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे और मलेरकोटला में इफ्तार में शामिल होने जा रहे थे। इधर दिल्ली में मोर्चा संभाला अरविंद केजरीवाल के सिपह सालार और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। मौका देखकर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये सब केंद्र सरकार की घटिया राजनीति है और दिल्ली की सरकार को अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में जो ऑफिसर काम कर रहा है लोगों के लिए, उसको डराना धमकाना इनका मकसद है, उसको मैसेज देना कि अगर तुम दिल्ली सरकार के कहने पे दिल्ली के लोगों के लिए काम करोगे तो हम तुमको उठा के यहाँ से अंडमान पटक देंगे, उसके बाद रोते रह जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे रोते रह जाएंगे, तुमको अंडमान में जाके काम करना पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की रैली को देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। एक सर्वे के हवाले से आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पंजाब में उसे 117 में से 100 सीटें मिल रही हैं। गोवा में जीतने और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन से घबराकर केंद्र सरकार दिल्ली को परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुन चुन कर काम करने वाले अफसरों का खास मकसद से तबादला कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 8 अफसरों का अंडमान और 1 का लक्षद्वीप ट्रांसफर किया गया है। इधर सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घुसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। घुसखोरी और पद के दुरुपयोग के मामले में सीबीआई ने राजेंद्र कुमार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर बीजेपी का कहना है कि एक तरफ तो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। The biggest thing is Mr. Rajendra Kumar is not the chief minister face of Aam Aadmi Party in Punjab or in Goa. So why the Aam Aadmi Party is hell bent to protect an allegedly corrupt officer? It's really astonishing why the Aam Aadmi Party is trying to do so. भ्रष्टाचार के मामले में प्रधान सचिव की गिरफ्तारी का ये मामला तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक का है। सीबीआई के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी को ठेके दिलवाए थे। सीबीआई का कहना है कि घोटाले की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके पीछे मास्टरमाइंड राजेंद्र कुमार ही है। सवाल ये है कि क्या राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्या आम आदमी पार्टी के आरोपों में दम है कि पंजाब चुनाव से पहले उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता जयप्रकाश अग्रवाल, रमाकांत गौर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है नवोदय टाइम्स के। लेकिन सबसे पहले दिलीप पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोर्ट का आप कल से लगातार हवाला दे रहे थे और कोर्ट ने वाकई वो सवाल पूछे जो आप भी लगातार पूछ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि आखिरकार राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार क्यों किया है आपने, लेकिन जवाब जो मिला उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, खास तौर पे 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो राजेंद्र कुमार की दी गई है, वो दिखाता है कि कोर्ट कुछ हद तक कम से कम सीबीआई से कन्विंस था और इसीलिए ये फैसला दिया गया। दिलीप जी, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप लोग भी क्लोजली वॉच कर रहे होंगे और हम भी क्लोजली वॉच कर रहे थे। सीबीआई ने 10 दिन की जब हिरासत की मांग की, पुलिस हिरासत की, बिल्कुल, कोर्ट ने उनसे जस्टिफाई करने को कहा। जब वो नहीं जस्टिफाई कर पाए होंगे तभी 5 दिन की हिरासत उनको दी गई है, पुलिस कस्टडी दी गई है। और ये 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी दी गई है वो इस बिना पर दी गई है कि सीबीआई ने बिना कोई एविडेंस दिए या शक क्रिएट किया, ये माहौल बनाया कि उनके पास कुछ नए एविडेंसेस सरफेस हो रहे हैं। तो ये संदेह का लाभ सीबीआई को मिला है। हकीकत यह है कि सीबीआई इस बात को अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाई कि जिस शख्स पे वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप तो उसके ऊपर डेवन से बन सकता था। तो आज गिरफ्तारी की मांग करने की बजाय उनको डेवन पे गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए थी, और इस बात का कोई भी लॉजिकल आंसर सीबीआई नहीं दे पाई है, एक बात। दूसरी बात, मैं स्पेशल कोर्ट के जज संजय जैन के ऑर्डर्स यहां पे पढ़ना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ सीबीआई को लटार लगाते हुए कहा है कि यू कैनॉट बी क्लॉथ इन डिवाइन पावर्स। आप जो है दैवीय शक्तियों को धारण करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने एक कंप्लेन के ऊपर जहां पे कोई डायरेक्ट पिक्यूनरी गेन नहीं है, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे आपने रेड कर दिया, जो इस बात को दिखाता है कि यह एक्शन हेस्ट में लिया गया है। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट ने तो ये तक भी कह दिया सीबीआई के खिलाफ कि हाई कोर्ट में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल होनी चाहिए। तो ये दिलीप जी, ये तो आप पहले की बातें कह रहे हैं, ऑर्डर्स हैं पहले की बात, आज की बात से जोड़ते हुए मैं पहले तक आपको पूरी यात्रा, ठीक, आप पृष्ठभूमि साथ में दे रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास, कि सीबीआई जो है आरोप लगाती रही लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं दे पाई। हम ये कह रहे हैं कि हम राजेंद्र कुमार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत मिलता है आप उनको जेल में डाल दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार के अधीन एक एक करके सारे अफसरों को टारगेट करके या तो आप गिरफ्तार करवा रहे हैं या तो आप उनका ट्रांसफर करवा रहे हैं बिना सरकार को
कॉन्फिडेंस में लिए, इससे साबित हो जाता है कि मोदी जी ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। यह जंग दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने की है और कारण वही है कि आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ जनाधार गोवा में, पंजाब में और अब गुजरात में देख के इतना बौखला गए हैं कि आप अपने राजनीतिक दिवालियेपन का परिचय भी देने लगे हैं। ये ठीक बात नहीं है दिलीप जी। दिलीप जी आप पूरा एक घंटे रहेंगे हमारे साथ, पूरा एक घंटा रहेंगे हमारे साथ और मैं आपके पास लौटता हूँ। लेकिन आरपी सिंह जी, आज जो कोर्ट में हुआ उसको दोनों तरह से देखा जा सकता है और दिलीप बिल्कुल साफ तौर पे एक बात ये कह रहे हैं कि अगर वाकई सीबीआई का केस इतना स्ट्रांग था तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मिली। पहली बात मैं दिलीप पांडे से पूछना चाहूंगा, ये दिल्ली सरकार के प्रवक्ता है या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये राजेंद्र कुमार के वकील हैं या आम आदमी के प्रवक्ता हैं? मेरे पास कुछ आपका सामान्य ज्ञान इतना खराब है। अरे दिलीप पांडे जी, आपको थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए कि मैं किसका प्रवक्ता हूँ किसका प्रवक्ता नहीं हूँ। आप अपनी बात स्पष्ट तौर पे रखें। अब आपने बोल दिया, आप बोले मैं नहीं बोला, ये आदत कब छोड़ेंगे आप, ये अनार्किस्ट वाली आदत कब छोड़ेंगे। आप जब बोले मैं नहीं बोला बिल्कुल भी, अब आप मुझे बोलने दीजिए कृपा। और आप में सुनने का मादा क्यों नहीं है, जब आप पे कोई प्रश्न लगाता तो एकदम आप बात करना शुरू करते हैं। तो बात पूछने नहीं, तो मैंने बताया महोदय आरपी सिंह जी, आपने पूछा मुझसे तब मैंने अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मेरे पूछने का जवाब दीजिए। आप सुनिए मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए आप। हरमिंदर सिंह खुलका जो है वो आप पार्टी के वकील हैं या दिल्ली सरकार के वकील हैं या उसके वकील हैं आपके रिंजन कुमार के, जो उसकी पैरवाई कर रहे हैं? ये किसके वकील हैं खुलका साहब? खुलका साहब आपकी पार्टी के मेंबर रिंजन कुमार की वकालत क्यों करते हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं आप? आप असल में दिक्कत है, आप घोटाले में लिप्त सरकार है, 400 करोड़ का घोटाला आपके ऊपर है, 21 विधायकों का मामला आपके ऊपर है, आप घिर चुके हैं, आपको वो घिरे हुए में से निकलने के लिए झूठ बोलने का सहारा ले रहे हैं। प्रवक्ता है आप, मोदी जी के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं आप, उस हिसाब से जिसके भी प्रवक्ता हो आप उस हिसाब से अपनी बात रखिए। आप पांडे जी, मैंने आपसे इतना ही पूछा ना कि आप आम आदमी के प्रवक्ता हैं या रिंदर कुमार के प्रवक्ता हैं, क्योंकि पहले भी केजरीवाल साहब बड़ी देर तक सामान्य ज्ञान ठीक करिए और आप जिसके भी प्रवक्ता उसकी तरफ से। आरपी सिंह जी आगे बढ़िए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिसके भी प्रवक्ता है बात रखिए आप। वो ये कि अगर सीबीआई का कोर्ट केस इतना स्ट्रांग था राजेंद्र कुमार के खिलाफ तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती, 5 ही दिन की क्यों मिली? सर ये कोर्ट से पूछने वाला मामला, कोर्ट ने 5 दिन की दी ना, इसमें ये क्या इशू है 10 दिन की दी ने 5 दिन की दी, ये कोई हंसने वाला मामला जी? परंतु ये बता दें कि ये चोरों के प्रवक्ता कब से हो गए, ये भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता कब से हो गए, ये फेक डिग्री वालों के प्रवक्ता कब से हो गए? जब याद है जब जिंदर तोमर ये भी ये कहते थे कि जिंदर तोमर ईमानदार है, ये मोदी जी उसको तंग कर रहे हैं, फिर बाद में एक हफ्ते बाद पल्ला झाड़ा नहीं झाड़ा था उससे, एक हफ्ते बाद पल्ला झाड़ा नहीं झाड़ा तोमर से, फिर आज मैं बता रहा हूँ वापस, आज के एक हफ्ते बाद ये पल्ला झाड़ेंगे, झाड़ेंगे कोई मामला नहीं है। दिक्कत है कि आपने चोरों की पैरवाई करने की, भ्रष्टाचारियों की पैरवाई करने का ठेका ले लिया है, क्योंकि आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केजरीवाल साहब खुद लिप्त हैं भ्रष्टाचार के अंदर, आज उनके ऊपर 400 करोड़ का 300 करोड़ का ये सारे मामले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। आरपी सिंह जी आज के केस पे आ जाइए, आज के केस पे आ जाइए। नहीं वो असल में क्या बात, पास कोई तर्कसंगत बात नहीं। इशू ये है कि जो मामले हैं भ्रष्टाचार के, ये भ्रष्टाचारी अफसर क्यों बजा रहे हैं? मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ, रविंदर कुमार 1, केशव कुमार 2। वो केशव कुमार वो हैं जो जल बोर्ड स्कैम में 400 करोड़ के घोटाले में इनकी वो इन्वॉल्व है, और ये दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है, वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है, एक ऐसे अधिकारी को ये बनाना चाहते थे जो बोर्ड था, भ्रष्टाचारी अफसर चुनते हैं ये। आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में है। जेपी अग्रवाल जी, मामला तो 2006 का है, आपके समय का है, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं जिनका ये कहना है कि राजनीतिक साजिश है, वो भी मोदी जी की साजिश है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और टारगेट पे रखा है दिल्ली के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर को, आप इसको सही मानते हैं या आपको लगता है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है, ये गंभीर मामला है जिसकी जाँच उसको करने दिया जाना चाहिए? जेपी जी। आकाश सोनी जी, मैं चाहता हूँ 1 मिनट का समय मुझे बहुत शांति से मिल जाए,
मैं बहुत कम बीच में बोलता हूँ। सवाल ये है कि आप पार्टी ने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे कि जीरो भ्रष्टाचार होगा, नो करप्शन और पारदर्शी सरकार होगी। मैं आज ये समझ नहीं पा रहा कि अगर कोई ऑफिसर पकड़ा जा रहा है या उस पर रेड हो रही है या वो किसी दायरे और फ्रेमवर्क में आता है करप्शन के, तो उसको आप पार्टी डिफेंड क्यों कर रही है? भाई आपने एक नया फॉर्मूला निकाला था जीरो टॉलरेंस का, तो फिर आपको चाहिए था कि वो उस आदमी को पकड़ के, पहली बार तो हुआ नहीं पूरे हिंदुस्तान में कि वो अफसर पकड़ा गया हो, तो आप पार्टी को उसके समर्थन में आने की ज़रूरत नहीं थी। आपका चाहे कितना ही चाहता अफसर क्यों ना हो, जो भी अफसर एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा वो चीफ मिनिस्टर या मंत्री के अधीन काम करेगा और अच्छा काम करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगी, लोग उसे पसंद करेंगे। नंबर दो, ये पहली बार हुआ है कि इस तरह चीख चिल्लाट हुई है और वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी की, जो किसी एक व्यक्ति जिस पर रेट पड़ी है उसके लिए बोल रहा हो, उसके समर्थन में मुख्यमंत्री को कम से कम नहीं आना चाहिए था, ये उप मुख्यमंत्री को नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ जो आरपी सिंह साहब अभी कह रहे थे, मैं ये नहीं समझ पाया आरपी सिंह साहब किसकी वकालत कर रहे हैं। आरपी सिंह सीबीआई की वकालत कर रहे हैं क्या कि सीबीआई ने ठीक काम करा है नहीं ठीक काम करा? भाई ये तो तय है कि बीजेपी आप पार्टी का झगड़ा है, ये भी तय है ये जो कुछ हो रहा है बीजेपी एक साजिश के तहत कर रही है और ये जान के जो छोटी स्टेट हैं उनको तंग करने की कोशिश कर रही है, नॉन बीजेपी स्टेट है उनको तंग कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यापम घोटाले में एक भी सीबीआई की रेट क्यों नहीं हुई? अभी ललित कांड हुआ उसके अंदर एक भी सीबीआई की रेट क्यों नहीं हुई? रमन सिंह का मसला आया एक भी सीबीआई की रेट क्यों नहीं हुई? तो अगर आप ये समझते हैं सीबीआई हमेशा सही काम करती है तो उसे माफ करना, उस तोते को निकलने दो। वो तोता अगर आपके अधीन रहकर काम करेगा तो काम वही होंगे जो दिल्ली में हो रहा है। तोता तो आपके जमाने में सबसे ज्यादा चुपचाप बैठा था बेचारा, जो आदमी करप्ट हो बोलता था तो आपके कहने में बोलता था, आरोप ये था। जो भी गलत काम कर रहा हो वो पकड़ा जाना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास दो मेहमान और हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन आपने दोनों ही का पक्ष लिया है। आपने एक तरफ आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया और आपने बीजेपी के बारे में भी जो आपको कहना था आपने साफ तौर पर आरोप लगाया। दो मेहमान और मेरे पास है, रमाकांत गौर जी, अंकुश श्रीवास्तव जी, इनके पास भी जाऊंगा। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव की गिरफ्तारी पर उठे सियासी तूफान की। अदालत ने राजेंद्र कुमार समेत पांचों आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले आज एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। कम से कम 409-10 अधिकारी यहां पे होने चाहिए। 400 अधिकारियों की जगह, 425 अधिकारियों की जगह आप दिल्ली में सिर्फ 165 पोस्ट कर रहे हो। आप पूरी तरह फेल हो गए हो यहां पे अधिकारी देने में, और ऊपर से आप कह रहे हो कि हमारा अधिकार है ट्रांसफर करना। या आप ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप अधिकारी दीजिए यहां पे, और चुन चुन के ऐसे अधिकारियों को हटाइए जो काम नहीं कर रहे। तो ये भारत का राजपत्र झूठ नहीं बोल रहा। 24 अधिकारी जा सकते हैं, वहां पे आप 31 अधिकारी भेज रहे हो, तो इसका मतलब तो कोई साजिश हो रही है ना। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जहां पे 24 अधिकारी चाहिए वहां पे आप 31 अधिकारी भेज रहे हो, और जहां पे 309 अधिकारी कम से कम चाहिए, 400 चाहिए, वहां पे आप 165 में से भी 8 हटा ले रहे हो। दिलीप पांडे जी, इसके पहले कि मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक बात आपसे जरूर समझना चाहता हूं। सीबीआई कह रही है कि कुल मिला के मामला ये है कि राजेंद्र कुमार किंग पिन है एक स्कैम के, और इंडिवर सिस्टम नाम की एक कंपनी बनाते हैं, 50 करोड़ का घोटाला करते हैं। ये सच है कि नहीं, ना आप जानते ना मैं जानता हूं ना शायद आज बीजेपी जानती है, हम तीनों में से कोई नहीं जानता कि पूरा सच क्या है इसमें। लेकिन जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें ले आते हैं, आप दिल्ली की सियासत चमकाते हैं, आप पंजाब की सियासत भी इसमें जोड़ लेते हैं। ये सीबीआई कह रही खेत की, आप कह रहे खलियान की। अरे ये उसपे खुद लिपते हैं, उनको यूज कर रहे थे कंड्यूट की तरह। दिलीप पांडे उसको कंड्यूट की तरह यूज कर रहे थे, इसलिए उसको बचाने में लगे हुए हैं। पर पहले दिलीप जी को जवाब दे दें। अरे ये तो उसको यूज कर रहे थे ये दोनों, और ट्रांसपेरेंसी इंडिया इंटरनेशनल ने कहा था जवाब दे, मैं आऊंगा आपके पास। भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके बाद बड़े कद्दावर आदमी है, बड़े खतरनाक आदमी है इधर, तो मतलब इनको आप शांत करा दें, मुझे आप अपनी बात रख लेने दें। अरे आप तो खुद लिप्त उनके साथ केजरीवाल के माध्यम से पैसे खा रहे थे। अरे प्रभु शांत हो जाए आप थोड़ा सा। अरे शांत तो तब होना, असली बात पे आओ कि आप तो उनके माध्यम से पैसे खा रहे थे। अरपी सिंह जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, पर पहला मौका दिलीप पांडे जी का है, आरोप है उनका जवाब दे रहे हैं।
दिलीप जी। अच्छा केशव कुमार के थ्रू कितने पैसे खा रहे हो आप दिल्ली जेल बोर्ड में? इतने उग्र हुए हैं कि टीवी चैनल पर आपका आक्रोश इतना खतरनाक लग रहा है। भाई साहब डराइए मत, शांत हो जाइए। मैं डरा नहीं रहा, आप खेतों में डर रही है। इंटरकनेक्टेड है जी जी, बताएं इंटरकनेक्टेड कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी, सीबीआई ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें कही गई थी, और 15 दिसंबर 2015 के दिन जब रेड मारी गई थी उसके बाद जो बात कही गई, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। आप मुझे एक नई लाइन बता दीजिए। तो यह कहना कि सीबीआई ने पिछले 6-7 महीने में कुछ अचीव कर लिया हो रविंद्र कुमार के खिलाफ, ये सरासर झूठ है। कोई भी नया अचीवमेंट नहीं है, कोई भी नए प्रमाण नहीं है। आज भी कोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं पेश किया गया है, ये पहले क्लियर होना चाहिए इस पैनल पे बैठे सभी लोगों को। दिलीप जी एक बात जो आप पूछ रहे, इसमें एक चीज मैं जरूर बोल दूं, एक चीज हुई है और वो ये कि सीबीआई के वकील ने ये कहा है कि राजेंद्र कुमार सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है दिल्ली के, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अगर गवाहों को धमकाया गया तो सही जांच संभव नहीं है। साथ ही साथ सीबीआई के वकील ने कहा कि माफ कीजिए, ऑडियो क्लिप उनके पास है, कोर्ट को जरूरत होगी तो उसको सुनवाया जाएगा, जिसमें जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं राजेंद्र कुमार। ये नई बात है। नहीं, मैं बताता हूँ, ये तो कोर्ट का डेवलपमेंट है। सीबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अगर आपने सुनी हो, और 6-7 महीने पहले रेड के बाद जो पीसी थी वो अगर आपने पीसी सुनी हो, दोनों में कोई नया कंटेंट नहीं है। अब आज कोर्ट में जो सीबीआई ने कहा उस पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कोर्ट ने जब ये कहा, सीबीआई ने जब ये कहा तो कोर्ट ने क्रॉस किया उनको और पूछा कि भाई साहब ये संभावना तो 6 महीने पहले भी थी, 6 महीने पहले भी वो इसी पद पे थे, तब भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तो गिरफ्तारी अब क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? और इसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, वो लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पाए। ठीक है, अब दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हुआ और क्यों हुआ। हुआ यह है कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें, दिनेश मोनिया को पीसी से अरेस्ट कर लिया जाता है, मलेर कोटला के अंदर एक घटना होती है जिसमें वीएचपी और आरएसएस के लोगों का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल की यात्रा के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक को जोड़ दिया जाता है, भ्रष्टाचार किया शीला दीक्षित ने, उनको सम्मन नहीं किया जाता है, उनकी एक भी जांच नहीं होती है। समन किसको किया जाता है, जिसने जांच करके रिपोर्ट सौंपी, कपिल मिश्रा को समन कर लिया जाता है। ठीक है, एक दिल्ली सरकार के वाइस कमिश्नर को दिवाली के ठीक पहले ट्रांसफर किया जाता है। आप केस डेवलप कर रहे हैं कि लगातार आपके ऊपर केंद्र से हमले हो रहे हैं, उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक आज के कोर्ट केस का सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में है रमाकांत गौर जी। रमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, न बीजेपी की तरफ, न आम आदमी पार्टी की तरफ, न कांग्रेस की तरफ, एक लीगल पर्सन होने के नाते, एक वकील के नाते, आज के कोर्ट केस में क्या महत्वपूर्ण चीजें आप देख रहे हैं? देखिए, इतनी देर से मैं डिबेट सुन रहा था, अभी तक ये बात कहीं नहीं आई, और इतफाकन कोर्ट में भी कहीं नहीं ये बात कही गई कि ये मुकदमा नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया मुकदमा बनता है, ये बात तय है। दूसरी बात, ये कैसे तय? देखिए, प्रथम दृष्टया एक FIR दर्ज होती है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बात रिकॉर्ड्स में है। अब उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, हम उस पर आगे चलते हैं। तो प्रथम दृष्टया एक कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट को FIR में कन्वर्ट किया गया, एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद किया गया। दिलीप पांडे जी ने भी माना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 2015 में, वहां भी यही बात कही जो आज कोर्ट में कही गई, और कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किए गए। आकाश जी, मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई स्टेज नहीं है कोर्ट में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने की। ये स्टेज थी जब सीबीआई ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कहा कि साहब कुछ हमें कस्टोडियल इंटरोगेशन से कुछ चीज़ें बरामद करनी है, कुछ हमारे पास तथ्य हैं, कुछ साक्ष्य हैं जिनको हमें जुटाना है, उसके लिए हमें इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए। दूसरी चीज़ सीबीआई ने जो बहुत महत्वपूर्ण कही, जो आपने भी इंगित की, कि कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स मिले जिसमें गवाहों को प्रभावित करने की बात आती है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर बात है। जब हम बात करते हैं अरेस्ट और बेल से मुतालिक या लिबर्टी के मुतालिक, तो ये एक बहुत गंभीर बात है कि किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास एक बहुत गंभीर विषय है। और यहाँ आके सीबीआई को अरेस्ट करने का अधिकार मिलता है, और साथ ही साथ अगर ट्रायल कोर्ट में बेल की अर्जी दी जाती है तो बेल की अर्जी के विचार जब विचाराधीन होती है तो विद्वान न्यायाधीश इस बात को समझना चाहते हैं कि कैसे जांच प्रभावित की गई, कैसे गवाहों को प्रभावित किया गया।
तो आज की प्रोसीडिंग में एक बात तो तय हुई कि अरेस्ट को इलीगल नहीं कहा गया, सीबीआई ने अरेस्ट किया, वो हो सकता था, वो हो सकता था क्योंकि रिमांड को बड़ा झटका होता, वो हुआ नहीं, वो रिमांड को कोर्ट रिफ्यूट कर सकती थी, कहती ये रिमांड गलत किया गया है, हम इसको इसी स्टेप पर रिमांड नहीं देंगे, फर्दर रिमांड एक्सटेंड नहीं करेंगे। जबकि हुआ कुछ और, हुआ ये कि 10 दिन का रिमांड मांगा गया, कोर्ट ने कहा इसको 5 दिन में प्रोसीड करें, 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। पर यहां एक बात और भी समझने की है कि 5 दिन के बाद सीबीआई एक उन्हें फिर पेश करेगी और जांच की जो भी जांच में विकास हुआ है उससे कोर्ट को अवगत कराएगी और फिर कोर्ट फिर से यहां एक डिफरेंस यह है कि सीबीआई इसके बाद भी रिमांड मांगेगी, ये मांग सकती है, उसका अधिकार है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा आपको यहां पे रोक रहा हूं। आपने निष्पक्ष होकर तटस्थ रूप में सबके सामने, दर्शकों के सामने रख दिया, कानूनी परिप्रेक्ष्य रखा मैंने, मैं राजनीति से बिल्कुल, कि आज कोर्ट में क्या हुआ और उसका मायने क्या है। जी अकुल श्रीवास्तव जी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबकी कोशिश यह है कि इस केस के बारे में बात करते करते पंजाब की सियासत पर बात करने लगे और मोदी जी को भी घसीट लाएं, क्यों? नहीं, ये तो इनकी मजबूरी है और राजनीति का तगादा यही है। यहां पर कुछ भी होता है, अगर जरा सी सुई गिरती है तो तलवार फौरन बनने में टाइम ही लगता है। आम आदमी पार्टी इसमें माहिर हो गई है, बीजेपी उसका पूरा उपयोग उस कर रही है। कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं दिया? नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट तो है ही, राजनीति में नए हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट दिया ही है इन्हें कि इतना माहिर हो गए इतनी जल्दी में ये। लेकिन बीजेपी भी अब उसी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इनकी जिस तेजी से ये कर रहे हैं आरोप लगाने वाला काम, उसी तरीके से बीजेपी भी इनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब मुझे ये लगता है कहीं गड़बड़ तो आम आदमी पार्टी शायद जो स्ट्रेटेजी ये अपना रही है उसको ये विचार करने का वक्त है कि ये स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं सही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें, 3 साल पहले पहली बार, अब साल सवा साल डेढ़ साल पहले 2 साल अभी जब सरकार आई तो किस तरीके से आई थी, उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम किया था, अंदर अंदर काम किया था। अब अगर इनकी निगाह गोवा पर है, इनकी निगाह पंजाब पर है, तो ये अभी जितना तेजी से वॉल्यूम हाई करके बातचीत की जा रही है वो शायद कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। तो क्या वो रणनीति काम कर रही है नहीं कर रही है? बीजेपी को भी ये लगता है कि ये तेज बोल रहे हैं तो हम अगर और तेज नहीं बोलेंगे तो उस तरीके से काम होगा। तो अब भारतीय राजनीति के सबसे खराब दिन आने वाले हैं, आरोप प्रत्यारोप के, बुरे तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज देने के, और एक जो शब्दों की जो इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वो एक बहुत बुरे और नीचे दौर पर पहुंच चुका है। इसके लिए दोनों ही लोग दोषी हैं और आगे अब हमें ये देखना होगा, इन लोगों को अंदरूनी रूप से देखना होगा कि स्ट्रेटेजिकली कहां गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे बीजेपी गड़बड़ कर रही है या आम आदमी पार्टी। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सारे सवाल खोल दिए इसमें एक साथ में, मैं एक एक करके लेता हूं। सबसे पहले जेपी अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं कि आप और बीजेपी, पंजाब में दो ही ऑप्शन थे, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, अब आम आदमी पार्टी उसमें कूद पड़ी और दावा यह कर रही है कि 117 में से 110 सीटें ले रहे हैं, तो ये कहीं आपकी स्ट्रेटजियां गलत तो नहीं हो रही है जो अकुल श्रीवास्तव जी बोल रहे थे? पुनीत साहब, मैं एक बात बता दूं कि बिगर कांग्रेस के राजनीति का स्तर क्या होगा वो आज आपको दिखाई दे रहा है इस तूतू मैमे से, और जो लड़ाई झगड़े सेंटर और स्टेट में हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये लोग राज चलाने लायक नहीं है। नंबर दो, पंजाब में हमें किसी से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी और अकाली दल ये फेल हो गए वहाँ, क्योंकि नशा इन्होंने बहुत बुरी तरह फैलाया और सरकारी संरक्षण के अंदर ये सारा काम हुआ। नंबर दो, जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, ये वहाँ जाकर क्या कहेंगे? दिल्ली तो जीरो है, दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए, एक साल में 40,000 करोड़ के बजट को अगर आप पार्टी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन माफ करिए इनका विजन नहीं है। सिर्फ धूल में लट मारने से आप ये सोचते हैं इसे राजनीति कहते हैं या इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो 70 मुद्दों के ऊपर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, उन मुद्दों का वहाँ 51 में जिक्र नहीं है। अगर आप ये कहते हैं दिल्ली में एक भी आपने नौकरी नहीं दी और वहां कह रहे हैं 25 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो कोई मान लेगा आपकी बात? ठीक ठीक, आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, जो हालत दिल्ली में हो रही है वो वहां भी होगा, तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। कोई डेवलपमेंट का काम दिल्ली में नहीं हुआ, जहां हम छोड़ के गए थे वहां बस यहीं से उठाना चाहूंगा, यहीं से उठाना चाहूंगा। आरपी सिंह जी, आज मनीष सिसोदिया बहुत गुस्से में आए नहीं होगा, और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि 400 अधिकारी दिल्ली में होने चाहिए, उसके बदले में है सिर्फ 165,
अंडमान में 24 अधिकारी होने चाहिए लेकिन वहां पर 31 भेज रखे हैं और यहां से दिल्ली से उठा के भेज दिए। ये जो पूरी कोशिश है, ये कोशिश इस बात की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को काम ही ना करने दिया जाए। ये एक परसेप्शन दिल्ली की राजनीति को लेकर और साथ ही साथ जोड़ के देश भर की राजनीति को लेकर बनाने की कोशिश है, मोदी सरकार पर सीधा हमला है। आरपी सिंह जी, सोदिया साहब को और केजरीवाल साहब की जो पूरी पार्टी, उनको झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम आता नहीं। वहाँ 31 से 11 अधिकारी हैं, 24 वहाँ भी शॉर्टफॉल है, आप जरा जानकारी पुख्ता करा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके खुद के जो दैनिक के अधिकारी हैं या IAS अफसर जो इनके हथात काम करते हैं, वो हड़ताल पे जा चुके हैं, वो पेंटन स्ट्राइक कर चुके हैं, वो अपने तबादले मांगने कि हम इनके मंत्रालय में काम नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि इनके मंत्री इनको धमकाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में लाकर धमकाते हैं कि ये नजायज काम हमारे करो तो हम तुम्हें चलने देंगे, नहीं तो हम नौकरी से निकाल देंगे। वो कहते हैं अच्छा भैया, नजायज काम कौन करते हैं? आगे राजेंद्र कुमार, आगे केशव कुमार, आगे एक और अधिकारी, ऐसे कई सारे अधिकारी फंस गए इनके नजायज काम चलते हुए, हम इनके नजायज काम क्यों करें? अरे नजायज काम करेंगे तो दैनिक अधिकारी छुट्टी मांगते हैं, वो कहते हैं हमारा तबादला करो। तो दिक्कत तो इनके काम की प्रणाली में है। और दूसरी बात, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जिस राजेंद्र कुमार को बचाने की कोशिश करें, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं वापस आपके चैनल पे हफ्ते बाद आऊंगा, ये हफ्ते बाद कहेंगे राजेंद्र कुमार से हमारा कोई वास्ता नहीं। और मैं चाहता था कि केजरीवाल साहब एक तो ट्वीट करते राजेंद्र कुमार के पक्ष में जी, इतना फेवरेट अधिकारी है, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक ट्वीट नहीं किया अब तक उन्होंने, एक बार उन्होंने एक बयान नहीं दिया, नहीं तो हर छोटी छोटी बात पे बयान देते थे। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो बात छुपाई जा रही है यहाँ पे बार बार, ये जो शिकायत है ये हमने नहीं करी, ये एक अधिकारी था आशीष जोशी जो विसर ब्लोअर था, ये कल तो विसर ब्लोअर की बात करते थे, RTI की बात करते थे, आशीष जोशी ने शिकायत दर्ज करी, इन्होंने उसको निकाल दिया और उसकी शिकायत के आधार पर सारी कार्रवाई हो रही है। एक मिनट, दूसरी बात, एक मिनट, एक मिनट, मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूं, यहीं से शुरू करूंगा, दिलीप पांडे से जवाब भी लूंगा। गिरफ्तारी पर घमासान जारी है, उस पर सियासत जारी है, खास मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले मैंने बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता आरपी सिंह जी को रोक दिया था। आरपी जी, सीधा सवाल जिसका जवाब दिलीप पांडे जी देंगे। पर मेरा एक छोटा बात कर लूं, मैं उसका जितने मरीज जवाब पूछेगा इनसे, मेरा निवेदन आपसे जी बोले, एक अधिकारी और है केशव कुमार, वो जल बोर्ड के 400 करोड़ के स्कैम में शीला दीक्षित के टाइम में इन्वॉल्व था, ये इनकी रिपोर्ट कहती, मेरी कपिल मिश्रा द्वारा लिखित रिपोर्ट में है उसका नाम, उसी अधिकारी को जल बोर्ड का CEO बना देते हैं। एक अधिकारी और है जिसको ये दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, वो शीला दीक्षित के टाइम में कॉमनवेल्थ घोटाले में इन्वॉल्व था। मेरा प्रश्न ये है, ये टेंटेड अधिकारियों के माध्यम से क्यों काम करना चाहते हैं? उसका सीधा उत्तर भी मैं दे रहा हूं, ये जो कंड्यूट बनाना चाहते हैं, कोई टेंटेड अफसर दबा रहेगा उसको कंड्यूट बनाएंगे अपने घोटालों के लिए। अच्छा ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, दिलीप जी को जवाब देने दें, आपने सवाल भी पूछ लिया जवाब भी दे दिया कि वो ऐसा करप्ट अधिकारी लाना चाहते हैं जो उंगली के तले दबा रहेगा और जो बोले वो करेगा, आपका ही आरोप है। दिलीप जी जवाब देंगे। बड़ा रोचक है आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये पक्ष और विपक्ष में थे, और जिन दो तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों की बात हो रही है, ये भ्रष्टाचार के मामलों में शीला दीक्षित जी के ऊपर उंगली उठ रही है, चाहे वो टैंकर घोटाला हो या वो घोटाला जिसका आरोप राजेंद्र कुमार जी पे लग रहा है। इन दोनों घोटालों में सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित की सरकार थी, ये सबको पता है। गलत काम करेंगे तो आपको कहा जाएगा दिलीप पांडे। इंटरेस्टिंग ये है, आप जिस तरह किसी अफसर की मदद कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। वो तो सम्मान करती है लेकिन शीला दीक्षित को सम्मान नहीं करती है। आपने वो ठेका कैंसिल क्यों नहीं किया? 400 करोड़ का ठेका जो करप्ट टैंकर घोटाले में था, जिन्होंने टैंकर घोटाले में इन्वॉल्व थे, उनका ठेका कैंसिल क्यों नहीं किया? शीला दीक्षित के मामले के ऊपर इसलिए टैंकर नहीं किया घोटाला कि आपने शीला दीक्षित से मिलकर उन ठेकेदारों से गुराई कर ली। मैं आरोप लगा रहा हूँ उन 400 करोड़ में से आपने भी 40 करोड़ रूपए आपकी जेब में आए हैं। दिलीप पांडे जी, 40 एक मिनट, इस पर सारी सियासत हमने सुन लिया। खुश श्रीवास्तव जी, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, जीरो करप्ट, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये आम आदमी पार्टी भी कहती है, बीजेपी भी कहती है और उसको सपोर्ट भी करती है कांग्रेस, मगर आज देश भर के लोग, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो, किसी और हिस्से में हो, जानना चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन क्या वास्तव में हो रहा है आज भारत के अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारत तो बात छोड़ दीजिए, अगर आप दिल्ली की बात करें तो शायद दिल्ली में भी ऐसा नहीं है। और लोग ये मानते हैं कि किसी न किसी वजह से
करप्शन, हम आम आदमी पार्टी, हम सब लोग जो दिल्ली में थे ये मान के चल रहे थे कि बहुत अच्छी चीजें होंगी, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से एक विशेष सर्किल में फंसती चली जा रही है आरोप प्रत्यारोप के, उससे क्या हो रहा है कि उसको तकलीफ हो रही है कि जिन बड़ी पार्टियों से मुक्त होकर के वो लोग एक नई आशा की किरण ढूंढ रहे थे, वो किरण फिर धुंधली पड़ रही है, इससे उनकी तकलीफ बढ़ रही है। और ये भ्रष्टाचार की वजह से उनको लगता है कि जैसे जो और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो अब सीधे उससे जोड़ने लग गए हैं कि वहां के लिए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भाजपा की भी दिक्कत है, कांग्रेस की भी दिक्कत है, और लगता है लोगों को कि आम आदमी पार्टी भी इसी में फंसती चली जा रही है, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। जो भ्रष्टाचार, जिस जो सपना उन्होंने देखा था भ्रष्टाचार रहित प्रदेश का, देश का, वो देश में भी तो कभी अभी कहीं ऐसी आशा नजर नहीं आ रही कि जहां से कुछ हो रहा हो, लेकिन प्रदेश में भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और सारे राजनीतिक दलों की बातें हमने सुनी, बहुत जरूरी होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो इस केस में होना ही है। देर सवेरे सामने आना है कि आरोप सच है राजेंद्र कुमार पर या झूठे हैं, और उसी के मुताबिक जनता की मेमोरी इतनी छोटी भी नहीं होती इतना कि कई नेता सोचते हैं, उसी के मुताबिक ये तय होगा कि किसकी क्रेडिबिलिटी बची और किसकी नहीं बची। आज का मुद्दा में आज इतना ही, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।